बिग न्यूज और मैं हूं शिल्पा सेठ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियां। पूर्वी सिंहभूम में ड्रग्स और ब्राउन शुगर की तस्करी का मामला आया प्रकाश में। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर गुंडा शासन लाने का लगाया आरोप। कोरोना के कारण इंसानों के साथ साथ जानवर तथा परिंदों पर भी आई आपदा। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में भी फैलने लगा ड्रग्स का काला कारोबार। 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चार आरोपी हुए गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने ब्राउन शुगर के कोरक धंधे से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। चाईबासा के SDPO दिलीप खकलो के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल द्वारा मुफस्सिल थाना के बांसा टोटो गांव के पास से पहले तीन आरोपियों रिचर्ड लोमगा, विशाल एक्का और दिलीप सामट को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर ब्राउन शुगर सप्लायर महिला लक्ष्मी सवैया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला आरोपी पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा थाना के हरर हुट्टू की रहने वाली है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। कल पुलिस अधीक्षक चाईबासा महोदय के गुप्त सूत्र के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गुप्त सूचना था कि ब्राउन शुगर बेचने का, खरीद बिक्री का इस तरह का सूचना मिली थी, तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही छापामारी दल का गठन किया गया और बासा टोंटो में सनातन होटल के पास से हमें तीन आदमी लड़के लोग मिले और उसको सर्च करने के बाद उसके पास ही ब्राउन शुगर मिला था। कितनी मात्रा में ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ सर? उनके निशानदेही में एक महिला के पास भी हम लोग रेड किए, उसके पास भी मिला, तो टोटल अभी हमारे पास 50 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। तो मार्केट में क्या कीमत होगी सर इसकी? अभी मार्केट में कीमत इसमें हम लोग काफ़ी होगा, ज़्यादा है, काफ़ी है उसमें। हम लोग मार्केट रेट अभी तो क्लियर नहीं, तो 30-40 हज़ार के करीब की होगी। और बाकी हम लोग अभी चार लोगों को गिरफ्तारी किए हैं, तीन लड़के एक महिला। तो क्या सर इसके गिरोह में जो सक्रिय है उनकी भी तलाश चल रही है? हाँ, इसमें अनुसंधान के क्रम और आगे हम लोग तलाश मैन जो है उसका हम लोग कोशिश करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले और अत्याचार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आवास में धरना दिया और कहा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गुंडा शासन लाना चाहती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता के साथ जो हिंसक घटना घट रही है उसके विरोध में प्रदर्शन और धरना दी जा रही है। चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा और बमबाजी, आगजनी की घटना हो रही है। वहीं ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की जा रही है और उनका घर जलाया जा रहा है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बहनों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या की जा रही है, पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता के साथ पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। वहीं रघुवर दास ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने पर बधाई दी। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी जो संविधान का शपथ ली है उनका पालन करें। मुख्यमंत्री सभी का होता है, जो वोट दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरा अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से जोरदार आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि इस तरह की अराजकता को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडा की शासन लाना चाहती है। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसके विरोध में आज प्रदर्शन की जा रही, धरना दी जा रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो दो दिन हिंसक घटनाएं हुई है वो हमें उद्वेलित कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कहीं हार हुई। निश्चित रूप से इन दोनों स्थिति और परिस्थिति में जहां हमें जीत मिली उन तमाम जनताओं को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ जहां हमें हार स्वीकार करना पड़ा, हार इस तरह की कि जहां हमारे पश्चिम बंगाल में जहां 3 सीटें थी अब वहां पर आज 77 सीटें आई हैं,
तो निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ताओं ने जो करण जोशी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, यह तारीफ काबिल है। सभी कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा बधाई देते हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो पश्चिम बंगाल में अत्याचार शुरू हुआ, दर्जन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उसी के खिलाफ में झारखंड प्रदेश भाजपा के आह्वान पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने आवास पर ही 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, ताकि ममता जी को यह संदेश दिया जा सके कि पूरा देश जो है उनके अत्याचार के खिलाफ में है। और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अराजकता फैल रही है, जिस तरह से घरों को जलाया जा रहा है, कि धारा 356 के आधार पर पश्चिम बंगाल में यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चुनाव में जीत हार तो लगे रहा। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध काला इतिहास लिख रही है। जिस दिन से वहां उन्होंने चुनाव में विजय हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमारी महिला बहनें कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कार्यकर्ताओं के घर जला दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। बंगाल में हिंसा भड़क चुकी है। तो ममता दीदी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग ही नहीं जानवर और परिंदे भी कोरोना की मार झेलने को विवश हैं। परेशान बेहाल परिंदों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम वही परिंदे की बात कर रहे हैं जिन्हें आप रोजाना देखते हैं। कोरोना की मार क्या इंसानों पर पड़ी, बेजवान जानवर और परिंदे भी पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। पानी दाना कुछ भी नहीं मिल रहा है, इन लोगों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये परिंदे जिनका आप नजारा देख रहे हैं, ये नजारा है साक्षी की जुबली पार्क का, जहाँ कई परिंदे भूखे बेहाल आपको दिख रहे हैं। पहले लोग पार्क में घूमने आया करते थे तो इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया करते थे, पर अब लॉकडाउन के चलते लोग पार्क नहीं जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि लोग कोरोना के डर से अपने आप को घर पर ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो नहीं निकल रहे हैं। पार्क में तो कई परिंदे की मौत भी हो गई है, पर इन जानवरों और परिंदों का घर आशियाना तो बाहर ही है, और भूख तो सभी इंसान हो या जानवर सभी को लगती है, तो आखिर कहाँ जाए ये लोग। खैर, जो हो, ये बात तो साबित हो गई है कि कोरोना की मार केवल इंसानों के जीवन पर ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों के जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव डाल रही है। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल जुगली पार्क गेट पे हूँ, जहाँ पे हम डेली आते हैं यहाँ पे। और अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, जो मतलब आप समझिए कि इनके पास अभी खाने को नहीं है, मतलब ये ढूंढ रहे हैं खाना। तो हमसे भी जो पन पड़ता है, जो लंच के लिए लाते हैं, वो हम लोग दे देते हैं, बट ये लॉकडाउन ने ऐसा इन पर प्रभाव दिया है, सभी के ऊपर दिया है, इनके ऊपर भी आया है। अभी जो पहले यहाँ पे लोग घूमने आते थे आपका जुगली पार्क में, तो कुछ मॉर्निंग में आते थे, इवनिंग में आते थे, तो कुछ कबूतरों को दे देते थे खाने के लिए, बिस्किट दे दिए, रोटी दे दिए, कुछ दाना दे दिए। अभी तो वो भी बंद है। अभी तो ये कबूतर आप देख सकते हैं सर, कि कबूतर यहाँ पे पानी पीने की वजह से सैकड़ों में कबूतर हैं, कोई देने वाला यहाँ पे खाना नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों से, कि अपने घर के अगल बगल या आप जुगली पार्क में आते हैं तो प्लीज़ इनके लिए भी कुछ ले के आइए। ये भूखे हैं, केवल कबूतर नहीं, कौवे हैं, तोते हैं, मैना, सभी कोई भूखा है सर। आप अगर इमेज दिखा सकते हैं तो सर प्लीज़ दिखाइए, सैकड़ों में कबूतर है और पानी पी, यहाँ से पानी आ रहा है तो पी के अपने भूख को शांत कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि जो भी यहाँ पे कोई आ रहा है या घर के अगल बगल आप देख रहे हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, एनिमल्स हैं, प्लीज़ उनको भी खाना दीजिए, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम इनके साथ भी जा रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा, ये खाना ढूंढ रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ घर से अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ दीजिए। और लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आप सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो दाना उनको दे रहे हैं वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए उनको, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़िए और सपोर्ट करिए। वहीं जमशेदपुर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ
कोविड वार्ड में तैनात चिकित्सकों समेत अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को वायरलेस वॉकी टॉकी से लेस किया गया है ताकि किसी तरह की विपरीत परिस्थितियों में इनका हल निकाला जा सके। जिस तरह से स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है, वैसी परिस्थिति में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सदर अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया गया है और नए कोविड वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल में प्रवेश करने के लिए रैपिड जांच अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही टीकाकरण का कार्य भी जोरों पर चलाया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सारे चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी और उन पर सिविल सर्जन की निगाह रहे, इसके लिए सदर अस्पताल में विशेष तौर पर कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी के चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को वॉकी टॉकी उपलब्ध कराई गई है। वहीं कांतिलाल अस्पताल में भी प्रॉफिट वार्ड बनाया गया है, वहां पर भी चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को वॉकी टॉकी उपलब्ध कराई गई। कहने का मतलब है स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहे और सभी पर जिले के सिविल सर्जन की नजर रहे, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। सदर अस्पताल की बात करें या कांतिलाल अस्पताल की बात करें तो इसमें बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में सुविधाओं के साथ साथ अभी आप सभी वायरलेस का उपयोग कर रहे हैं, इसके क्या उपयोगिता है और किस लिए इसे उपयोग में लाया जा रहा है फिलहाल वर्तमान समय में? ये जो वायरलेस की सुविधा हमारे सिविल सर्जन ने हम लोगों को उपलब्ध कराया है, ये मेरी समझ से यहाँ पे 6 वायरलेस की सुविधाएं हम लोग इस अस्पताल में रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं सभी कोविड वार्ड में। और जो जो एक सिविल सर्जन साहब के पास है, एक मेरे पास है और 2 अन्य हॉस्पिटल मैनेजर और हमारे अकाउंटेंट हैं तुषार बनर्जी, उनके पास है। इसकी सुविधा इसलिए हम लोगों के लिए मायने रखती है क्योंकि फ़ोन में, मोबाइल में उतनी जल्दी हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वायरलेस की सुविधा जो हमारे पास वॉकी टॉकी दिया गया है, वायरलेस से हम तुरंत में आपस में एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके किसी भी इस परिस्थिति में कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोविड वार्ड में भी जो स्वास्थ्य कर्मी इस समय तैनात हैं का अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके पास भी यह सुविधा है? जी हाँ, कोविड वार्ड में भी है सुविधा, क्योंकि वहाँ अगर सुविधा हम नहीं देंगे तो वहाँ की स्थिति, अद्यतन स्थिति हम लोगों को मालूम नहीं होगी और जो भी मरीज की स्थिति होगी इससे द्वारा हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है, इसलिए वहाँ पे उपलब्ध कराना निहायत जरूरी था और ये उपलब्ध इसलिए कराया गया। सदर अस्पताल में 6 है और कांतिलाल अस्पताल में कितने प्रोवाइड करवाए? कांतिलाल अस्पताल में 4 वॉकी टॉकी प्रोवाइड कराए गए हैं। पूर्व में यह वॉकी टॉकी हम लोगों को मिला था, जो 6 हम लोगों ने यहाँ रखा और सदर अस्पताल में कांतिलाल में हम लोगों ने 4 दिया है। हम लोग प्रयास में है कि और भी ऐसी वॉकी टॉकी हम लोगों को उपलब्ध हो कि कांतिलाल में और यहाँ भी हम लोग इसका दायरा बढ़ा सकें। जमशेदपुर बिजली के तार टूटने से सवारी गाड़ी में लगी आग, गाड़ी के कुछ हिस्से जलकर हुए राख। बिरसा नगर वन बी झंडा चौक से ऊपर बीती रात बिजली की तार टूटने से एक सवारी विंगर गाड़ी के कुछ हिस्से जलकर राख हो गए। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी और लोगों की जान भी जा सकती थी। जिले के टीकाकरण केंद्र में पसरा सन्नाटा, बहुत जल्द शहर पहुंचेगा कोविशील्ड, फर्स्ट डोज के लिए उपलब्ध है वैक्सीन। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी लोगों को परेशान कर रही है। सरकार द्वारा लगातार आग्रह किया जा रहा है कि लोग टीका लगवाएं, वहीं जिला व राज्य में टीका की कमी से लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा पहले डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिन लोगों को पहला डोज लेना है उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है और जो लोग पहला डोज में कोविशील्ड लगा चुके हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि कोविशील्ड की कमी है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द जिले में टीके की कमी को दूर कर ली जाएगी। जिन लोगों को सेकेंड डोज लेना है 2 से 3 दिनों के अंदर उन्हें सेकेंड डोज मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य स्तर पर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि टीके की कमी ना हो। Thank you.
जमशेदपुर आर्कजन विश्वविद्यालय के ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस कर किया। आर्कजन विश्वविद्यालय के NSS द्वारा ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वार्ड रूम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस कर किया। आर्कजन विश्वविद्यालय के NSS द्वारा ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम NSS के कोऑर्डिनेटर श्री पारसनाथ मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। वॉर रूम के माध्यम से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें NSS के रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने श्री पारसनाथ मिश्रा और उनके विद्यार्थियों द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस विकट परिस्थिति में आर्कजन विश्वविद्यालय के द्वारा ब्लड और प्लाज्मा के लिए वॉर रूम की स्थापना अनुकरणीय है और इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग आर्कजन विश्वविद्यालय के इस कार्य को पूरा सहयोग करेगी। राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्य और आर्कजन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि इस वॉर रूम में हम रक्त और प्लाज्मा डोनर का डाटाबेस तैयार कर ब्लड बैंक में रक्तदान आयोजित करेंगे और आम जनता को इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। वॉर रूम का उद्घाटन श्री बन्ना गुप्ता जी ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर SS रजी, निर्देशक श्री अमित श्रीवास्तव, कैंपस निर्देशक डॉक्टर अंगद तिवारी आदि मौजूद रहे। आज आर्कजन विश्वविद्यालय के NSS के द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे NSS के बच्चों ने और सारे शिक्षकों ने मिलकर एक वॉर रूम का बनाया है और इस वॉर रूम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने आज किया है। इस वॉर रूम का ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जमशेदपुर की कोई भी व्यक्ति यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। आज कॉलेज के बच्चों ने मुख्यतः ब्लड डोनेट किया है और हम लोग एक माध्यम बन रहे हैं जिस माध्यम से हम लोग ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमें उत्साहित हमारे बच्चों को किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया है कि स्वास्थ्य मंत्री के गाइडेंस में हमारा विश्वविद्यालय के छात्र कार्य करने के लिए रेडी हैं और जमशेदपुर के लोगों को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, हमारे जैन आर्कजन विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों के माध्यम से हम लोग आग्रह ये जमशेदपुर वासी को करना चाहते हैं कि हम सभी को ब्लड डोनेशन देना चाहिए और ब्लड के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और आप यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। हम लोग ब्लड बैंक और आर्कजन विश्वविद्यालय मिलकर इस कार्य को आयोजित कर रहा है। आप सबको फिर से आग्रह होगा कि रक्त दीजिए, प्लाज्मा दीजिए और दूसरों की जान बचाओ। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को पानी पीने व नहाने जैसे नित्य कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं होने के कारण गांव शादी विवाह घरों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह में लोगों को 1500 से 2000 रुपए में पानी टैंकर खरीदना पड़ रहा है। वैसे कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र जानू पालसजी और खुंदीलोंग गाँव के सभी तालाब सूख गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मनुष्य के साथ साथ बैल भैंस आदि जानवरों की पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वैसे ग्रामीणों का कहना है कि चैंडल डैम हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा विस्थापितों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। लोगों ने चैंडल डैम का पानी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुहैया कराए जाने की मांग की है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए आज मैं अपने से निर्णय ग्रामीण की सहायता से निर्णय लिया कि जिस तालाब से हम बचपन से नहाते थे वो तालाब आज सूखा है। तो देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को जमीन में डैम है जो कि सुवर्णरेखा चांडिल डैम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर दूरी है। रोज़ हम लोग को सुबह नहाने जाना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत रहता है। गाय भैंस किसी भी काम कार्य के लिए पानी का बहुत ही दिक्कत है। चलिए हमारे झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दीजिए। धन्यवाद। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कोई गांव जैसे खुदीलोंग, सामनगर, जानुम आदि गांव में पानी का बहुत ही दिक्कत हो रहा है और खाने पीने या नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमारे सुवर्णरेखा चांडिल डैम का पानी हम लोगों को न मिलकर
टाटा जमशेदपुर शहरवासी को सप्लाई दे रहा है। हमारे किसी काज हेतु जैसे श्रद्धा कर्म शादी ब्याह के लिए किसी दूसरे स्थान से पीने के पानी खरीदना पड़ता है, और यही आग्रह है कि झारखंड सरकार से हमारे सभी ग्रामीण मुख्यमंत्री से मांग करता है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद जी। आपका नाम पोस्टिंग? पंचानन महतो, ग्रामीण, ग्राम खुदिलोंग। थैंक यू। कोविड गाइडलाइन के बावजूद साथी बाजार की कई दुकानों को खोला गया था। दुकानदार दलालों के माध्यम से ग्राहकों को बुला अपना व्यापार कर रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ, सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका अनुपालन सख्ती से लागू करने का निर्देश भी प्रशासन को दिया गया है। बावजूद इसके जमशेदपुर के सांची बाजार में कई मॉल के संचालक और कुछ दुकानदार दलालों के माध्यम से अपना व्यापार चला रहे थे। अंदर से दुकानें खुली, बाहर से बंद। कोई ग्राहक आए तो दलाल उसे बताकर दुकान के अंदर शटर खुलवाकर अंदर प्रवेश करवा रहे थे, तर्ज पर काम चला रहे थे। ऐसे ही लोगों को जमशेदपुर सांची पुलिस ने आज धर पकड़ा, थाने ले गई। जो भी हो, लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में लोग ना जाने पूरी तरह से क्यों घबरा रहे हैं। जो बात करना थाना प्रभारी पर, गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु सीमा को वैक्सीन दिए जाने की घोषणा के बाद अब राज्य में भी कुछ दिनों में ये वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद एक लंबे समय अवधि तक वे रक्तदान नहीं कर सकते हैं, और इससे ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो सकती है, जिसको देखते हुए ये युवा वैक्सीन लेने से पूर्व ही रक्तदान करा रहे हैं। जी, मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। स्टील सिटी, रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, और मैं अपना ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ वैक्सीन लेने से पहले। क्या लोगों को बोलना चाहती हैं, यूथ को? यही बोलना चाहती हूँ कि आपदा तो आ पड़ी है, पर उससे डरने का नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है हमें। और सब आगे आइए, मदद कीजिए लोगों की, ना सिर्फ ब्लड डोनेट करके बल्कि जो आपके आसपास कोविड पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखिए, उनसे उनको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो उनसे पूछिए, जानिए और उनकी मदद कीजिए, और साथ में बस इस दुनिया को बचाने में हमारा साथ दीजिए। गुड नेम? पूर्वाशा सिंह। सर, एटलीस्ट हम लोग यूथ हैं, अगर हम यूथ आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और अभी के इस तरह कोरोना के पीरियड में हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। एटलीस्ट 1 यूनिट ब्लड दे रहे हैं तो वैक्सीन के बाद हमारे दिक्कत नहीं होगा हमारे यहाँ। अभी जैसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में क्या मदद करना चाहती हैं झारखंड वासियों का? जी, अभी जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद हमारे ब्लड का कमी हो जाएगा, लोग ब्लड नहीं देंगे, और हम यूथ नहीं ब्लड देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना इसलिए। गुड नेम? जी, नेहा कुमारी। एज अ यूथ सबसे पहले तो मैं लोगों को कन्विंस करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि कोविड के क्राइसिस पे ज़्यादातर प्लाज्मा एंड ब्लड डोनेशन की बहुत कमी हो जाती है, एंड लोग प्लाज्मा के लिए अरेंज करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि वैक्सीन लेने से पहले लोग ब्लड डोनेट करें एंड प्लाज्मा भी डोनेट करें, जिनको कोविड हो चुका है और जो कोविड से क्योर हो चुके हैं। गुड नेम? शरणजीत कौर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।